एक टाइप टेस्ट कंडक्ट, वो इसमें सिर्फ वो सिर्फ आपका एक। जय हिंद प्यारे दोस्तों। दिल्ली में दोस्तों बड़ी जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी पक्की सरकारी नौकरी की। अगर आपका सपना है दोस्तों पक्की सरकारी नौकरी लेना और दिल्ली में वर्किंग करना, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो में काफी जानकारी आपको दी थी। आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन कंपाइल हुए थे कि सर इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, और जो ये पोस्ट है इसमें कितने रुपए आपको चार्जेस देने होंगे, बहुत चीजें आपकी आई थी निकल के। तो आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को कवर अप करूं, इसे वीडियो को पूरा जरूर देखना, टाइम वेस्ट ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी दिल्ली में, लेकिन इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, इसको कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि दिल्ली दिल्ली के कैंडिडेट इसको एलिजिबल अप्लाई करेंगे। अगली बात करते हैं, आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसकी एक बॉडी है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, यहां पे आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये किस लोकेशन में स्थित है, लेकिन दिल्ली में ही है, पक्की सरकारी नौकरी है। इस चीज को दिमाग से निकाल देना दोस्तों कि पक्की सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हैं तो उसमें पहले आपका 2 साल का जो इनिशियल पीरियड होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपकी जॉब जो है परमानेंट हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी पोस्ट के बारे में, तो बेसिकली 3 टाइप की पोस्ट की आज हम बात करने वाले हैं, एलडीसी, यूडीसी और स्टेनोग्राफर की। काफी बच्चों के कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे थे कि सर इनके सिलेक्शन प्रोसेस जरूर बताना, यूडीसी में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे पहले एलडीसी की पोस्ट के बारे में। इसमें दोस्तों 12th पास मांगा है। अगर आपने 12th की हुई है और आपकी टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट, देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, इंग्लिश में आप टाइपिंग करते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट है। अब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि हमारी टाइपिंग स्पीड है नहीं, हमें आती नहीं है, तो मैं आपको ये कहूंगा आप अप्लाई जरूर करना, और ये जो 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इसको सीख सकते हैं, काफी डेडिकेशन के साथ अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे दोस्तों। अगली बात करते हैं एज की, कम से कम 18 साल, ज्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है दोस्तों 23, एलडीसी की टोटल पोस्ट है 23, ध्यान से समझना। और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी मिलती है, जो कि आपकी लगते ही 20 से 25 हजार के बीच बनती है। काफी बच्चे इसके भी क्वेश्चन लेके आ रहे थे कि सर ये जो 20 से 25 हजार है ये काफी कम है, तो मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों ये पक्की सरकारी नौकरी है और एवरी ईयर इसमें इंक्रीमेंट लगता है गवर्नमेंट जॉब में। अगर आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप उनसे कंफर्म कर लेना, जो आपकी सैलरी बनती है वो एवरी ईयर इंक्रीज होती ही जाती है। अगली बात करते हैं अपनी पोस्ट की, स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में आपकी शॉर्ट हैंड होनी कंपलसरी है दोस्तों। ये एक लैंग्वेज होती है, ये कोर्स भी होता है इसका, और ये वैसे भी बच्चे सीख सकते हैं। इसकी जो 12th पास मांग है और इसको जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है वो 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये टेस्ट भी होगा, बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस में आगे। तो अभी अभी के लिए आपको बता देता हूं, 12th पास के साथ साथ 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है 5, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए और सैलरी मिलेगी लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 से 35 हजार लगते ही सैलरी बनेगी आपकी। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, इसको बोलते हैं सीनियर असिस्टेंट। ये जो सैलरी मिलती है आपको इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलती है, जो कि 30 से 35 हजार बनती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से समझना, ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें, 12th पास नहीं चलेगा दोस्तों, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अगली बात करते हैं, इसमें टोटल पोस्ट है 12, एज की बात करते हो कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 27 साल। यहां तक दोस्तों काफी क्लियर हो गया होगा पोस्ट के बारे में। अब आते हैं आपके मेन सवालों पे दोस्तों, कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अप्लाई करने का लिंक है वो 10 तारीख को ओपन हो चुका है, 10 से और 25 जून 10 मई से 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली वहां जाकर आप अप्लाई कर देना। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nwda.gov.in। अब बात करते हैं दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों आपका, पहले एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग होगी एलडीसी में और शॉर्ट हैंड की स्पीड देखी जाएगी स्टेनोग्राफर में। अब आ जाते हैं यूडीसी के सिलेक्शन प्रोसेस पे, इस पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा इसमें, क्योंकि ना कोई टाइपिंग की बात करी गई है, ना कोई किसी भी चीज की एक्स्ट्रा बात नहीं करी गई है, तो आपका सिर्फ और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, जीएस के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे और रीजनिंग के आएंगे। ये 4 सेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, इनको अपना कवर अप कर लेना और अच्छे से एग्जाम दे देना। अब बात करते हैं, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको कितने रुपए चार्जेस देने होते हैं। जनरल और ओबीसी वालों को 840 रुपए देने होते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट को 500 रुपए चार्जेस देने होते हैं। अगली बात करते हैं एज की, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एज क्राइटेरिया, उसमें अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है।
ये जो जॉब है दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। तो आपको जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिलते हैं। इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए आप DOPT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके रिक्रूटमेंट रूल पढ़ सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।